फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। यहाँ पे क्या है, टोटल आपके पास 43 पोस्ट यहाँ पे खाली है, जिसमें कि आपका क्या रहेगा वो देख लेते हैं। जिसमें कि 43 में से अगर बात करें तो जो टेक्निकल एसोसिएट है उसके लिए 32 है, और जो इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन है उनके लिए 8 है, और जो 3 बच जाते हैं वो S&T कंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे कि इसमें आपका जो है, इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू बेस्ड होगा। कमेटी आपको सिलेक्ट करेगी कि आपको रखना है या नहीं रखना है, और आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे, और आपको मेंटली एंड फिजिकली यहाँ पे फिट रहना है जब भी अप्लाई कीजिएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ser.indianrailways.government.in। इसमें क्या आपकी मार्कशीट लग जाती है सेकेंडरी लेवल की, और यहाँ पे आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसकी फोटोकॉपी भी लगानी होगी। आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड वाली चलेगी। आपने BTech एंड गेट में जो भी स्कोर किया है वो यहाँ पे लगा दीजिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और NOC लग जाएगी। इफ़ द कैंडिडेट इज सर्विंग इन, अगर आप गवर्नमेंट या फिर PSU ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं तो वो यहाँ पे लगा दीजिएगा। और देख लेते हैं क्या क्या रखा गया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसमें मैंने आपको बता दिया, टाइटल एंड नंबर ऑफ पोस्ट 43 है, जिसमें कि यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कैसे कैसे बटी हुई है। प्रोजेक्ट क्या रहेगा, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट एंड एनी प्रोजेक्ट दैट मे कम इन फ्यूचर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको काम करना होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 43 है, जिसमें कि यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे UR, SC, ST, OBC कैटेगरीज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पे 32 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें UR कैटेगरी वालों के लिए 16 है, SC वालों के लिए 5 है, ST वालों के लिए 2 है, OBC के लिए 9 है। पोस्ट कोड आपका 1 रहेगा। सेकेंड पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इसमें क्या है, टोटल 8 है, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 4 है, SC वालों के लिए 1, ST वालों के लिए 1, OBC वालों के लिए 2 है। पोस्ट कोड आपका 2 रहेगा, पोस्ट कोड आप याद रखिएगा। फिर है सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन S&T, तो इसमें क्या है, 3 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 1 रहेगा और जनरल वालों के लिए 2 रहेगा और OBC वालों के लिए 1 रहेगा। पोस्ट कोड आपका 3 हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट, ड्यूरेशन क्या रहेगी, 19/11/2023। टर्म एंड अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस उनके रूल्स के हिसाब से रहेगा। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिटवीन 18-30 ईयर्स ऑफ एज फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का इलेक्शन मिलेगा, OBC से हैं तो 3 साल का इलेक्शन मिलेगा। कि सैलरी कितनी रहेगी, तो यहाँ पे क्या है, जो जेड क्लास के जिनकी जेड क्लास में लगती है उन्हें 32,000, जिनकी वाई क्लास में लगेगी उनको 34,000, जिनकी एक्स क्लास की लगेगी उनकी 37,000। वो आपकी पोस्ट के ऊपर आपको वो किस डिपार्टमेंट में रखते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, मैंने आपको स्टार्ट वो तो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया था। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट शुड हैव देयर BE और BTech इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। आपने या तो BE कर रखा हो या BTech कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट, आपने जो गेट है उसे क्लियर कर रखा हो, GAT जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कार्ड, जॉब रिक्वायरमेंट वो तो मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है, सिविल इंजीनियर की है और टेलीकम्युनिकेशन S&T जिसे हम कहते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एज एंड एलिजिबिलिटी विल बी रिकॉर्ड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ इंस्टेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन। इसमें क्या है, वेबसाइट का एड्रेस वो आपको ये रहा जो भी है। क्लोजिंग डेट इसकी क्या रहेगी, तो आप अभी क्या है, आज हमारी 13 जुलाई है, तो आप 21 तारीख तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप हैं तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो ला सकूँ PDF के साथ, क्योंकि नॉर्मली दिखा के तो सब बना लेते हैं, PDF से अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।